नमस्कार दोस्तों, तो वजह बताऊंगा आपको। मैंने पहले भी कहा था ये होना ही था, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, ये चेंजेस आने ही थे मार्केट में। ये जो अच्छे स्टॉक हैं और बहुत अच्छे स्टॉक हैं, ये किसी ना किसी दिन तो ऊपर जाने थे। लोग ये कह रहे थे नहीं ये तो बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। जब आपको पता ही है मॉर्गन स्टैनली और ऐसे ऐसे जो ब्रोकरेज हाउस हैं, 190 का टारगेट दे दिया, 120 का दे दिया, 140 का दे दिया, बट सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिस किसी ने भी। अगर मुझे गालियां भी दी हैं तो कोई बात नहीं, जब तक मैंने वीडियो बनाई है, बट हाँ इसको लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। देखिए मैं पहले ही बता रहा था आपको, आज के दिन इसमें जो वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, मैं पहले बता चुका हूँ म्यूचुअल फंड ने एंट्री लेनी है, बड़ा बड़ा माल उठाना था और वो शुरू हो ही चुका था पहले भी, पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 5.2 करोड़ शेयर सिर्फ 3 बजे तक हो चुके थे ट्रेड, और उसमें से 2.2 करोड़ करीबन 450 करोड़ का माल तो तब तक ही उठाया जा चुका था स्टॉक के अंदर। आज के दिन 3 बजे तक, 3:30 तक तो आप सोच सकते हैं कि ये माल करीबन करीबन 600-700 करोड़ तक पहुंच चुका होगा। और ये डेटा शो कर रहा था, लोग मानने को तैयार नहीं थे। देखिए यही होता रिटेल इन्वेस्टर के साथ, 4 महीने जब तक माल बेचा जा रहा था म्यूचुअल फंड से, तब रिटेल इन्वेस्टर भड़ा भड़ माल खरीदे जा रहे थे इसमें कि हाँ हम खरीदेंगे, हम बनाएंगे इसको कुछ शेयर और इसको ऊंचे नेक्स्ट टारगेट पे पहुंचाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है म्यूचुअल फंड्स। और जब अच्छे इन्वेस्टर इसमें एंट्री लेते हैं, और मैं तो खुश हूँ रिटेल इन्वेस्टर कुछ निकले हैं इससे। देखिए 2 महीने से एंट्री ले रहे थे, 3रे महीने का डेटा आएगा आपको, उसमें भी एंट्री दिख जाएगी इन लोगों की। ये सच्चाई है शेयर मार्केट की। और देखिए कैंडल जो बनी है वो साफ शो कर रही है आपका कि ये अब ऊपर की तरफ जा चुका है। बट ये ध्यान रखिए 235 क्रॉस नहीं किया आज भी इसने, इसे 235 से ऊपर बंद होना होगा अगर इसको और टारगेट 251 तक का अचीव कराना है शॉर्ट टर्म के अंदर। उससे पहले ये 251 की तरफ नहीं भागेगा, तो ये नज़र बनाए रखनी है। ऐसा नहीं है कि अब ये बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, बट हाँ जिसको शॉर्ट टर्म वालों में 182 से बोलते आया हूँ मैं, 50-52 रुपये ऊपर जा चुका है, वो बेच के निकल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले प्लीज़ अगर बिजनेस अच्छा लगता हो तो ही बने रहिएगा।